नमस्कार, यश फैशन डिजाइनर में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बेल्ट वाली दो कली की सलवार की कटिंग सिखाऊंगी। देखिए ये कपड़ा है, हमें बेल्ट वाली दो कली की सलवार की कटिंग करनी है। सबसे पहले हमारी जो बेल्ट वाली सलवार की लंबाई होगी वो 36 इंच, बनी हुई तैयार सलवार की लंबाई 36 इंच है। मोरी 7.5 इंच तैयार हुई। अब देखिए 36 इंच यदि सलवार की लंबाई है तो हम 7 इंच की बेल्ट रखेंगे और 29 इंच के ये पार्ट रखेंगे। अब देखिए ये कपड़े में हमें 29 इंच की पहले हमें बेल्ट तो बाद में निकालेंगे, पहले हमें पार्ट की लंबाई, पार्ट की लंबाई हमारी थी 29 इंच। तो देखिए ये 29 इंच है, तो इसमें हम नीचे से मोरी बनती है उसके लिए 3 इंच एक्स्ट्रा रख लेंगे, 32 इंच पे निशान लगा लेंगे। देखिए ये 32 इंच पे निशान लगा लिया। अब इस कपड़े को इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। क्योंकि हमें दो पार्ट निकालने हैं इसलिए डबल कर लेंगे, ये 32 इंच यहाँ भी 32 इंच, इसी तरह से ये इधर भी बराबर कर लेंगे। एक निशान यहाँ लगा लेंगे जिससे कि पता रहे कि बराबर है। ये एक निशान यहाँ पर लगा लिया। तो देखिए ये कपड़ा हमारा बराबर हो गया। अब हमें ये तो पार्ट की लंबाई हो गई थी, अब हमें पार्ट की चौड़ाई 8 इंच रखनी है। देखिए ये 8 इंच इस पार्ट की चौड़ाई है। ये देखिए 8 इंच है। अब हमें मोरी जो है हमारे बनी हुई सलवार की 7.5 इंच है, तो 8 इंच तो ये हमने पार्ट की चौड़ाई रख ली, 2 इंच इसमें ये एक्स्ट्रा रख लेंगे, ये कली के लिए कली का निशान लगा लेंगे। 8 + 2 = 10 इंच हो गई ये इधर से। इधर से भी 2 इंच पे ये कली के लिए निशान लगा लेंगे। अब हम इस फीते को इस तरह से रख करके सीधी लाइन बना लेंगे। देखिए ये निशान लग चुके हैं, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। पहले इसको सारे कपड़े को इधर से अलग ही कर देंगे। तरफ से अलग कर दिया है। अब हम ये कली की कटिंग करेंगे।
कली तो ये हो गई, दो कली ये हो गई। अब इस कली को हम इस तरह से रख दें। और ये यहाँ पे ये जो कपड़ा जुड़ा हुआ है इसको इस तरह से काट दें। देखिए ये जहां आसन होगा, हमें आसन हमें 9 इंच रखना है। इस तरह से फीता रख लेंगे जहां पे ये 9 इंच तक इस तरह से लाइन बना लेंगे। देखिए ये 9 इंच। अब इसकी कटिंग कर देंगे। ये देखिए सलवार की कली और पार्ट कट चुके हैं। अब हमें बेल्ट निकालनी है। ये जो पार्ट है ये ऊपर से बंद है, इसकी भी कटिंग कर देंगे। देखिए हमें ने बताया था कि 36 इंच में 29 इंच तो मैंने बताई थी पार्ट की लंबाई। अब हमें 7 इंच बेल्ट की तैयार लंबाई रखनी है, तो 7 इंच में हम 2 इंच प्लस कर देंगे। वो ऊपर सिलाई के लिए आएगा और नीचे की साइड भी, तो 9 इंच बेल्ट की लंबाई हो जाएगी। देखिए ये 9 इंच बेल्ट की लंबाई रख ली मैंने। अब चौड़ाई हम इस हिसाब से रखते हैं। यदि हमारी कमर की जो है 21 इंच है, 21 इंच का डबल यानी कि 42 इंच, गोलाई हमारी जो है कुर्ते की जो होती है 42 इंच है, तो उसमें हम 4 इंच प्लस कर लेंगे। तो 42 से 4 इंच प्लस कर लिया हमने तो 46 इंच हो गई। 46 इंच का हाफ 23 इंच, तो 23 इंच पे हम निशान लगा देंगे इस तरह से। ये सीधी लाइन बना लेंगे। अब इसकी कटिंग करेंगे। इसकी यहां से भी कटिंग कर देंगे। इधर से 20 में सिलाई लगा देंगे, दोनों को अटैच कर देंगे इधर से भी दोनों को। देखिए सलवार की कटिंग हो गई है। देखिए इस तरह से ये जुड़ जाएगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।